मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह आपको ज्यादा ख्याल करने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में ख्याल करने वाला परमेश्वर एक है। लेकिन आप कहते हैं मेरे जीवन में प्रभु एक चमत्कार अद्भुत काम करने से ही मेरे जीवन आज बदल सकता है। एक बार एक सेवक ने अपने अनुभव को बताया। उनका बीमारी इतना गंभीर हो गया, डॉक्टरों ने उनको छोड़ दिया। उनका खुद महसूस हुआ है, दवाई मेरे शरीर में काम नहीं कर रहा है, बस मेरे जीवन की और सेवा की अंत होने वाली है, मैं मरने वाला हूं, बस आगे बढ़ने के लिए कोई संभव नहीं है। तो उन्होंने सोचा था बस मेरे जीवन में अभी ही जो है आखिरी दिन चले आया इसलिए। लेकिन प्रभु उनसे एक दिन मिला, उनसे मिलके एक वचन को बताया। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 32 अध्याय की 27 वचन में प्रभु ने आके उनसे कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तुम मुझे उत्तर दो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मुझे तू उत्तर दो। क्या मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, चमत्कार नहीं कर सकता हूं? मेरे लिए क्या यह संभव है? तो उन्होंने कहा, प्रभु तू कर सकता है, तेरे लिए सारे काम असंभव है, मैं विश्वास करता हूं। वैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन पर जैसे ही विश्वास करने लगा, तुरंत प्रभु की सामर्थ उस शरीर को छूया। जी हां, पूरा वो चंगा हो गया। जी हां, परमेश्वर के कार्य को देखा उन्होंने, बहुत आश्चर्य हुआ, आनंदित हुआ। तो आज परमेश्वर आपसे कहता, शायद आप कठिन काम में हैं, तो परमेश्वर कहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन काम है? मैं तेरे लिए जरूर पूरा करूंगा। जी हां, संभव है। हे प्रभु, ये संभव तो हो, लेकिन मेरे जीवन में इतनी परेशानी है, समस्या बड़ी है। आप ऐसे कहते हो ना, लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे लिए कोई काम कठिन है? तू कहो। यदि हम विश्वास से कहेंगे, प्रभु तू मेरे लिए सारे कार्य को कर सकता है, इस वचन से कह के देखिएगा, तुरंत परमेश्वर आपके परिस्थिति को सब को बदल डालेगा। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ये सारे बाधाओं को ठीक करता है, कठिन काम को पूरा करेगा? आपको क्या ये विश्वास है? तो आपको विश्वास से कहना चाहिए, यही प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में सारे परेशानियों को तू दूर करेगा, तू असंभव को संभव करता है, मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला, मैं इसको पूरे विश्वास करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।